हेलो गाइस, वेलकम इन टेस्टी बाइट्स। मैं हूँ रोमा और आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी ब्रोकोली सूप दैट इज रिच इन हाई फाइबर एंड विटामिन्स। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ हमने 100 से 150 ग्राम ब्रोकोली को ले लिया है। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया था और हमने इसे फ्लोरेट करके रख दिया है। यहाँ हमने 2 स्प्रिंग अनियन ले ली हैं, 1 से 2 कली हमने लहसुन की ली हैं, 1/4 चम्मच हम यहाँ काली मिर्च का यूज़ करेंगे और 1/2 चम्मच हमने नमक लिया है। और आप 1 टेबल स्पून यहाँ पर घी या बटर ले सकते हैं और 1 से 1.5 गिलास हम पानी का यूज़ करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक बड़ा पैन गैस पर रख दिया है, गैस हमने मीडियम रखी है गाइस। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है गाइस। अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई अनियन और इसे अच्छे से इसकी नरमाई निकलने तक इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई लहसुन और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे गाइस। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी, साथ ही हम फ्लोरेट की हुई ब्रोकली डाल देंगे गाइस। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक का यूज़ करेंगे जिससे हमारी ब्रोकली जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स हमारी ब्रोकली अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए गाइस। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे एक मिक्सी जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। सूप के लिए हम एक सॉस तैयार करेंगे जिसके लिए हमने 1 टेबल स्पून पिसे हुए ओट्स लिए हैं, 1/2 कप हमने दूध लिया है और 1 बड़ा चम्मच हमने बटर लिया है। यहाँ हमने फ्राई पैन गैस पर रख दिया है जिसमें हमने बटर डाल दिया है। चाहे तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे गाइस। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच पिसे हुए ओट्स डाल देंगे जिसे हम 2 मिनट पकाएंगे। गाइस, ओट्स मैंने घर में ही पीस कर लिए थे, आप चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड भी ले सकते हैं। इसे हमने 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े और एक क्रीमी सी सॉस बनके तैयार हो जाए। आप देखेंगे गाइस, 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारी क्रीमी सी सॉस बनके तैयार हो जाएगी। हमारी क्रीमी सॉस तैयार है। अब हम इसमें ब्रोकली मिक्सचर को डाल देंगे और अच्छे से मिलाते हुए धीमी आंच पर ही पकाएंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसे ऐसे ही मिलाते हुए पकाएंगे और ये देखिए कैसा क्रीमी सा सूप बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें गाइस। और इसे अच्छे से मिलाते हुए 2 मिनट पकाएंगे। ये देखिए गाइस, कैसा क्रीमी सा सूप बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सूप हमने एक बाउल में निकाल लिया है और इसे हम घर में निकाली हुई फ्रेश क्रीम से गार्निश करेंगे। ग्रीन कोरिएंडर लीव से इसे डेकोरेट करेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा मज़ेदार क्रीमी ब्रोकोली सूप बनके तैयार है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो टेक केयर एंड गुड बाय।